फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है सुशांत सिंह राजपूत का एक और सपना था जो कि अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत एक बायोपिक पर काम कर रहे थे, ये एक न्यूज़ मुझे मिली है जो अब मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ये खबर है रिलेटेड टू मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ही वन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन 1972 समर पैरालंपिक्स इन हीडलबर्ग जर्मनी। ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट एट 37.33 सेकेंड्स। इन द सेम गेम्स ही पार्टिसिपेटेड इन जैवलिन प्रिसिशन जैवलिन थ्रो एंड सैलम। ही वॉज द फाइनलिस्ट इन ऑल थ्री इवेंट्स इन 2018। ही वॉज अवॉर्डेड विद अ पद्मश्री। 1965 के वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान में ही सस्टेन्ड सीवियर बुलेट इंजरीज बींग अ जवान इन द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स इन द इंडियन आर्मी। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस आफ्टर ही वॉज क्रिपल्ड ही स्विच्ड टू स्विमिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। ही पार्टिसिपेटेड इन द टेबल टेनिस एट द 1968 समर पैरालंपिक्स एंड क्लियर्ड हिज फर्स्ट राउंड। ही वन फोर मेडल्स इन स्विमिंग। ही वॉज लेटर एम्प्लॉयड बाई टेल्को इन पुणे। और जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत इम्प्रेस हुए उनकी पूरी जीवनी को देखते हुए और उन पर एक बायोपिक बनाने का फैसला लिया गया। बायोपिक पर काम भी चल रहा था, ये कहना है इनके बेटे अर्जुन का। जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत दो बार छिंजली वार्ड पहुँचे पुणे में अपने फ्रेंड के साथ। इनफैक्ट मुंबई में भी मुरलीकांत पेटकर और उनके बेटे को इन्वाइट किया था, दोस्तों से मिलवाया था और बायोपिक पर तैयारी कर रहे थे। क्यों नहीं बना, क्या रहा, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये एक उनका सपना मेरे सामने आया। मुझे लगा मुझे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को इस सपने के बारे में भी इन्फॉर्म करना चाहिए, जिन्हें नहीं पता हो ये उनके लिए, जिन्हें पता हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो फिलहाल एक खबर निकल कर आई रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा।